हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और अभी हो रही है बाहर स्नोफॉल, मैंने रिकॉर्ड किया है, दिखाती हूँ आप लोग को। आज है मेरा 30 डेज का थर्ड ब्लॉग और आज स्नोफॉल हो रही है। वाओ, सो जब ये पूरा व्हाइट व्हाइट हो जाता है ना, तब बहुत खूबसूरत लगता है। सो गाइस, आपको एक चीज दिखाना चाहती हूँ, ये मेरा पीछा कहीं नहीं छोड़ता है, यहाँ भी दिख गया मुझे। अगर आपको सामने दिख रहा है, रोज मेरे ब्लॉग में आने के लिए दिखता है, हर रोज। हाथ तो मिला, इतना ठंडा आता तेरा। सो गाइस, मैं पहुंच चुकी हूँ ब्रिटिश लाइब्रेरी के पास। ये यूक्रेन में सबसे फर्स्ट पब्लिक लाइब्रेरी बनी थी और ये अंदर से काफ़ी सुंदर है, लेकिन मैं अंदर जाके अभी नहीं दिखा सकती हूँ क्योंकि मुझे जाना है डीन ऑफिस, वरना डीन ऑफिस बंद हो जाएगा। सो ये लाइब्रेरी बाहर से कुछ ऐसी दिखती है। गाइस, आप ये जो बिल्डिंग देख रहे हो, ये सामने वाली, ये है डीन ऑफिस ओडिशा नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी की। और मैं जाती हूँ अपना काम करवाती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ मेन बिल्डिंग के जस्ट सामने। मेरा जो स्टूडेंट कार्ड है उस पर स्टैम्प नहीं लगा हुआ था, तो मैं उस पर स्टैम्प लगवाने आई थी। ओडिशा नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी की मेन बिल्डिंग और इसका कैंपस पूरा वहाँ तक है, और इसके अंदर कभी आपको और लेके चलूँगी क्योंकि अभी मुझे लग रही है बहुत तेज़ ठंड। और आज है सैटरडे, एक वीडियो में टूर तो इम्पॉसिबल है, बट मैं कोशिश करूँगी क्योंकि इसके अंदर भी डिपार्टमेंट है, ये पूरा इसके पीछे भी डिपार्टमेंट है और उधर से पीछे जाके एनाटॉमी डिपार्टमेंट आता है। सो आप लोग कमेंट में बताना कि मैं यूनिवर्सिटी का फुल टूर दूंगी। अभी चलते हैं घर। ये है सिटी गार्डन, दिन में कुछ ऐसा दिखता है ये। सो डेकोरेशन इनकी दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, ये थोड़ा थोड़ा दिन पे दिन ये लोग बढ़ाते जा रहे हैं डेकोरेशन। कल मैंने आपको दिखाया था ये क्रिसमस ट्री लग चुका था, बट ये सब नहीं लगा था, अभी ये और डेकोरेशन इसमें होगी। ये जूता है सेंटा क्लॉस का और ये है टोपी, बाकी ये सब भी लगेगा क्योंकि मैंने पिछले साल भी देखा है, अभी ये सामान उतरा हुआ है तो अभी ये सब सेट करेंगे। इसी सेंटर पे ही है एक छोटा सा क्यूट सा मॉल यूरोपा, जिसके अंदर बहुत सारे ब्रांड हैं, अंदर बहुत अच्छी क्रिसमस की डेकोरेशन भी हुई है, मैंने कल देखा है तो दिखाती हूँ आपको। My name is the American boy and I so much appreciate you guys for stopping by on my Medicine by World channel. Yeah. Don't stop watching, don't stop liking, don't stop sharing. Yeah. See you guys. Thank you. Peace. Thank you. Bye-bye. All right. Bye-bye. वो भी एक यूट्यूबर है, सो मैं इससे पहले भी मिल चुकी हूँ और वो ऑलमोस्ट मेरा दोस्त बन चुका है, सो वो काफ़ी अच्छा है। तो उसने बोला मैं तुम्हारे ब्लॉग के बारे में कुछ बोलना चाहता हूँ, मैं रोज़ देखता हूँ, फिलहाल तो उसे हिंदी समझ नहीं आती बट वो स्टिल मेरे ब्लॉग देखता है। इसके अंदर अरमानी भी है, इसके अंदर डियोर भी है, ओडिशा की सबसे प्यारी डेकोरेशन लगती है ना, सबसे प्यारी और सबसे क्यूट वो ये है, इतना प्यारा इन्होंने, ये हर साल ऐसे ही डेकोरेट करते हैं, मुझे ये बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्यारा। देखो फुल क्रिसमस वाइब, कितनी क्यूट क्यूट से, अभी आपको क्लोजअप दिखाती हूँ, इतना प्यारा इन्होंने डेकोरेट किया ना पूरा नीचे तक। ये देखो कितना क्यूट सा लगा है ये स्केटिंग करते हुए, ये ऐसे ही इनकी डेकोरेशन इतनी ही खत्म नहीं होती, ऊपर तक है पूरी।
एग करी विथ राइस। सो चलो मैं अपना एग करी विथ राइस एंजॉय करती हूँ। सो अभी मैं मेरी स्किन केयर का टाइम, ये दोनों लगाऊंगी, मैं फेस वॉश कर चुकी हूँ। सो आप लोगों को बहुत ही बड़ा सीक्रेट रिवील करने जा रही हूँ कि मेरे दो प्यारे प्यारे मेहमान आए हुए हैं, जो जाने का नाम नहीं ले रहे, उनकी सेवा मैं करने जा रही हूँ। अभी भी जस्ट फेस वॉश करके आई हूँ और मैंने अपना रोज़ वाटर स्प्रे किया है। सो ये मेरा बहुत ही छोटा सा और बहुत ही सिंपल सा रूटीन होता है जिसको मैं एनी हाउ फॉलो करती हूँ। रात के मैं 2 बजे करूँ, 12 बजे, बट ऐसा होता नहीं है, 10-11 बजे तक ऑलमोस्ट कर लेती हूँ। सो किसी भी तरीके से मैं इनको करती हूँ। और मेरा छोटा सा एक दो और स्किन केयर है, अभी मैं शेयर करूँगी धीरे धीरे। सो दिस इज़ माई फेवरेट प्रोडक्ट जो मैं दोनों यूज़ करती हूँ। बाकी मॉइस्चराइज़र आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, बट मुझे पर्सनली वो मॉइस्चराइज़र पसंद होता है जो एक्स्ट्रा ड्राई स्किन को ट्रीट करे अच्छे से, क्योंकि मेरी एक्स्ट्रा ड्राई स्किन है। मैं मॉइस्चराइज़र लेने के बाद उसमें 2-3 ड्रॉप्स उसमें ग्लिसरीन का भी डाल दिया, क्योंकि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है। अभी आप कैसे दिख रही होगी कि मैंने अभी इस पर स्प्रे किया है रोज वाटर, वरना ये बहुत ड्राई है। चलो स्टार्ट करते हैं अपना ये छोटा सा प्यारा सा स्किन केयर। ये जो दो मेरे मेहमान है ना, इनको जल्दी भगाना है, ये ऐसे आते रहते हैं। इनका मैंने बहुत प्यारा नाम रखा है, रमेश और सुरेश। नए मेहमान का नाम जरूर रखना, वरना इज्जत नहीं दोगे ना तो वो फिर जाते भी नहीं है। तो इसलिए मैं रमेश और सुरेश को हील करने जा रही हूँ। स्किन केयर डन। तो बस मैं ये मॉइस्चराइजर एलोवेरा जेल लगाती हूँ और हल्की हल्की सी मसाज करती हूँ। सो अभी मुझे पढ़ना है न्यूरो, क्योंकि मेरी क्लास चल रही है न्यूरो की। सो तब तक आप टाइम लैप्स देखो, क्योंकि मैं आपको बोर नहीं करना चाहती हूँ अपना पढ़ाई लिखाई दिखा के। आप इंटरटेनमेंट के लिए वीडियो देख रहे हो, मैं आपको पढ़ाई लिखाई दिखा रही हूँ। पेपर पेन रिफ्लेक्टर। तो गाइस पढ़ाई ऑलमोस्ट हो चुकी है, बट थोड़ी बची है और मुझे नींद आने लगी, तो मैंने सोचा वीडियो ख़त्म कर लेते हैं, उसके बाद देखती हूँ मैं कितना पढ़ पाऊँगी। सो चलो आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हो तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे कल फिर एक नए ब्लॉग के साथ। कल का ब्लॉग हो सके तो मैं रिलेटेड टू MBBS अब्रॉड बनाऊँ। लेट्स सी मैं क्या बनाती हूँ। सो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू टुमारो एंड गुड नाइट।